मुंबई से सटे इलाके ठाणे में बच्चियों को चोरी करने वाला एक गिरोह बरामद किया गया है और ये जो गिरोह था वो बच्चियों को चुरा कर दूसरे राज्यों में बेचता था। इस गिरोह के पास से दो बच्चियां भी बरामद की गई हैं। ठाणे ग्रामीण पुलिस के हत्थे चढ़े ये शातिर छोटी बच्चियों को चुरा कर उन्हें बेचने का काम करते थे। पुलिस के मुताबिक मीरा रोड के जिस फ्लैट में छापा मार कर इन्हें पकड़ा गया है उसमें 10 साल की एक मासूम को भी बंदी बनाकर रखा गया था और 1 लाख रुपए में उसका सौदा भी कर चुके थे। इंक्वायरी करने के बाद और पता चला और एक 3 साल की लड़की भी उन लोगों ने यहाँ बेचा है। वो लड़की को भी पुलिस ने जाके वहाँ से रेस्क्यू किया है। अभी ऐसा पता चला कि एक दिल्ली की महिला है उनको लड़कियाँ उन्होंने बेची है। पुलिस ने मामले में 2 औरतों को भी पकड़ा है जो बच्चियाँ चुराने से लेकर उन्हें लाने ले जाने और घर में बंदी बनाकर रखने में मदद करती थी। पूरे मामले का खुलासा मीरा रोड के ही एक एनजीओ की मदद से हुआ। जो किडनैप करने वाले लोग हैं इनका मोनस ऑपरेंडी ये है कि ये लड़कियों को खरीदते हैं, उनको उनके पास जब वो थोड़ी बड़ी होती है 6 साल की 7 साल की होती है उनके पास घर का काम करवाना शुरू करते हैं और जब ये लड़की और बड़ी हो जाती है 14 साल 15 साल तो फिर वो लोग इसको वेश्या व्यवसाय में निकलते हैं। पुलिस के मुताबिक थाने ग्रामीण खास करके नाला सुपारा इलाके में छोटी बच्चियों के चोरी होने की वारदातें बढ़ गई थी। बच्ची चोरों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल स्क्वाड भी बनाया गया है। जांच में पता चला है कि इस गिरोह के तार राजस्थान दिल्ली और आगरा से भी जुड़े हैं। मीरा रोड से राजा मयाल के साथ मुंबई से सुनील सिंह एनडीटीवी इंडिया के लिए टेलीविजन पर इन दिन